सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सीन ये है कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपने घर में किचन में हूँ। तो इसकी एक खास ये वजह है कि यार, आज जो मेरे बाकी सारे घर वाले गए हुए हैं बाहर, तो कोई गया हुआ किसी घर रहने, और सिस्टर भी गई हुई है बड़े भाई के घर पे रहने के लिए। तो सिर्फ मैं और अम्मी है, और साइम और जयान जो है वो लोग ट्यूशन गए हुए हैं। तो अम्मी ने बोला कि यार, आज हम बनाते हैं कुछ अच्छा, मतलब मटन कढ़ाई। तो हम मटन कढ़ाई बनाएंगे आज। और सीन ये कि यार, अभी सारी चीज़ें हम बना रहे हैं उसमें, ठीक है, जो कटिंग वगैरह करेंगे अम्मी के साथ। और सारा आज सुबह से अम्मी के साथ नीचे बैठा हुआ हूँ, तो वरना कभी कभार अपने रूम में होता हूँ ऊपर। और आज इंशाल्लाह मटन कढ़ाई बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे बनते हुए भी, और फिर खा के भी दिखाएंगे कैसे बने, क्योंकि अम्मी की मटन कढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, हमेशा की तरह बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आता है। तो A few moments later. तो गाइस, अभी हम धो रहे हैं गोश्त। सो गाइस, अब बारी है ऑयल की, अम्मी ऑयल डाल ली है। अभी डाल दिया हमने प्याज, अब हम डाल रहे हैं बोटी गोश्त, और अब हमारी अम्मी इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। अब डाल लिए हैं अम्मी टमाटर, अभी डाला है अदरक लहसुन, अब थोड़ा सा हमने पानी ऐड करा है। A few moments later. तो गाइस, अब हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें स्टीम भी आ जाए, और ऊपर ढक्कन रख देते हैं इसके, ताकि अच्छा खासा उबाल भी आ जाए और स्टीम भी लग जाए इसको, और जो चीज़ें मिक्स हुई हैं वो मिक्स हो जाए आराम से। सो गाइस, अब बारी है कढ़ाई मसाले की, और दही है हमारे पास, और मिर्चें हैं, तो अब ये सब कुछ हमें ऐड करना है। सो गाइस, इसमें अभी दही और कढ़ाई मसाला ऐड हो रहा है। और अब इसको अम्मी मिक्स कर रही हैं। One hour later. सो गाइस, अपनी फाइनली रेडी हो गई है, बस अब इसकी जो टॉपिंग कहते हैं उसको वो कर रहे हैं अब हम। A few moments later. Guys, अभी हम खाना खाने बैठ गए, और आप देख सकते हो जो हमने कढ़ाई बनाई थी, लक कितनी प्यारी रही है, और टेस्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसे अम्मी बनाती हैं हर बार की तरह। तो चलो अब खाते हैं, और रोटियां भी आ चुकी हैं। One eternity later. तो भाई, अभी ना आप लोग को ज्यान गाना सुनाएगा अपना, जो इसका का फेवरेट है, जो इधर चल रहा है। ज्यान सुनाओ गाइस। अभी हम अम्मी के साथ देख रहे हैं टीवी, क्योंकि आपको पता है अम्मी अभी हम लोग दोस्त दोनों ही अकेले घर पर हैं, तो आज ज़्यादा दिन इधर ही गुजरा है। तो भाई, अब हम इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि अब रात भी होते जा रही है, और ब्लॉग भी एडिट करना है आपको पता है, फिर अपलोड करना है, क्योंकि टाइम भी हमारा हो जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि जैसे कि आज पूरा दिन घर में ही गुजरा है, और अम्मी के साथ हमने उनके साथ मदद करी, और अम्मी ने मुझे थोड़ा मटन कढ़ाई बनाना सिखाई। तो जैसे जैसे देखा हमने, मैंने सारी चीज़ें डाली, और अम्मी मुझे बताते गई, और अम्मी ने ज़्यादा तो अम्मी का ही हाथ है, क्योंकि अम्मी पे क्रेडिट जाता है। मैं तो ऐसे ही आज उनका हाथ बढ़ा रहा था, क्योंकि अम्मी आज हम मैं और अम्मी सिर्फ अकेले घर पर हैं सिर्फ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर वाले गए हुए,
रहने के लिए भाई के घर पे। तो जब वो आ जाएंगे तो कहीं हम बाहर जाएंगे, और मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग भी इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उनको बोला अम्मी अकेले घर पे हैं, साइम और जान तो ट्यूशन चले जाते हैं, तो इसी वजह से 1 या 2 दिन हम घर में गुजारने, फिर इंशाल्लाह हम कहीं बाहर जाएंगे। सो गाइस अब हम इस वीडियो के जरिए एंड करते हैं। और हाँ यार, मेरे जैसे पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें 200 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मतलब कल। बाय।